नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अचानक कोचिंग क्लासेस बहराइच में। अप्रैल चल रहा है, उसके बावजूद भी हम लोगों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। लॉकडाउन की वजह से हम लोगों का नुकसान हो रहा है, तो इसलिए हमने विचार किया कि आप सभी लोगों को ऑनलाइन क्लासेस दी जाएं जब तक कि लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो जाता है, जैसे आप लोगों का नुकसान ना हो, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है और उसमें काफ़ी समस्या बाद में आती है पढ़ने में। तो उसी क्रम में आज मैं आपसे शुरुआत करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को सिलेबस बताऊंगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को और ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ, जिससे दूसरे लोगों का फ़ायदा हो, उनका नुकसान ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तुरंत कि सिलेबस क्या है और कितने पेपर हैं हमारे, तो उस पर मैं बात करूँ कैसे उनको हमें पढ़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि पूरे बीकॉम थर्ड ईयर, जैसे हमारा जो बीकॉम थर्ड ईयर का सिलेबस है उसमें 6 पेपर हैं, ठीक है। हमारे पेपर कितने हैं? 6 पेपर हैं, और हर जो हमारा 6 पेपर हैं तो कि 3 यूनिट, एक फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट, 3 यूनिट में डिवाइड की जा चुके हैं। ये 3 यूनिट हैं, इन तीनों यूनिट में इनको डिवाइड किया जा चुका है। तो 3 यूनिट और हर यूनिट में 2 पेपर है। जैसे यूनिट फर्स्ट है, तो अगर हम उसकी बात करें यूनिट फर्स्ट में, तो यूनिट फर्स्ट में 2 पेपर, 1 और 2, और ऐसे ही यूनिट सेकंड में हो जाते हैं 2 पेपर, और ऐसे ही यूनिट थर्ड में हो जाते हैं 2 पेपर। तो इसका कोई ऑफिशियल अभी सिलेबस नहीं आया है, लेकिन जैसा कि सब लोगों को पहले पता है कि हमारा जो इस बार का सेकेंड ईयर, पहले इनकम टैक्स सेकेंड ईयर में होता था, वो थर्ड ईयर में डाल दिया यूनिवर्सिटी ने। तो थर्ड ईयर में वो कहाँ जाके सेटअप होगा, तो उसको ज़रा देखिए। उसी पैटर्न पर, जो मुझे लग रहा है कि उसी पैटर्न में पेपर आएगा, तो ये सिलेबस हमारा जो पहला है कॉरपोरेट अकाउंटिंग, ये बहुत दिन से पहला पेपर ही हो रहा है। इस बार भी उम्मीद है कि पहला पेपर यही होगा। तो कॉरपोरेट अकाउंटिंग, जो कि पूरी तरीके से इनकम टैक्स, ये जो है सॉरी, ये जो न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल है, और ये पूरा कंपनी अकाउंट्स, जो है कि जो लोग इन पढ़े हुए हैं इंटर में कॉमर्स, जानते हैं कि जो है उसमें उन्होंने पढ़ा होगा शेयर्स वगैरह के बारे में, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। जैसे इसमें लिखा है इशू फॉर फ्यूचर एंड इशू ऑफ शेयर्स, शेयर्स है, फाइनल अकाउंट है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, अकाउंटिंग फॉर एमलेमेशन है, और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। यानी शेयर डिवेंचर गुडविल, शेयर डिवेंचर गुडविल, फाइनल अकाउंट और एमलेमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, फिर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, इससे रिलेटेड ये पूरा सिलेबस। ये देखने में तो आपको बड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा सिलेबस इसी का है, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। न्यूमेरिकल पेपर हमारा और काफ़ी टफ पेपर है, हम लोग इसी पर ज़्यादा फोकस करते हैं, साल भर इसी पर मेहनत करते हैं, पढ़ते थे। एक ही ये न्यूमेरिकल पहले कंपलसरी हुआ करता था, लेकिन अब क्या हुआ, एक पेपर और आ गया, वो भी कंपलसरी होने जा रहा है। तो चलिए, तो ये पहला पेपर हमारा क्या होगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पहला पेपर होगा, यानी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पेपर जो है वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो पहला पेपर जो है वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होगा, और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अब इस पर हम लोगों को मेहनत करनी है। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे ऑनलाइन माध्यम से जुड़ जाएं, जिससे आपको इसकी ऑनलाइन क्लासेस आपको दी जा सकें, और कमेंट करके भी हमें बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो उतना जल्दी हम मोटिवेट होंगे और आपको ऑनलाइन क्लासेस दे पाएंगे। और ऑडिटिंग, देखिए ऑडिटिंग जो कि थ्योरी पेपर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर है। इसमें एक सीए कैसे ऑडिट करता है, उसका सिस्टम क्या होता है, जैसे इसमें ऑडिटिंग क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, इंटरनल चेक सिस्टम, ऑडिट प्रोसेस, ऑडिट लिमिटेड कंपनीज कैसे ऑडिट किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन वगैरह, ये पूरा डिटेल है इसका सिलेबस। अब इसके बाद सेकेंड पेपर ये हो गया, फिर हमारा जो थर्ड पेपर, जो मुझे लग रहा है सेकेंड यूनिट, यानी ये जो यूनिट बनेगी वो यूनिट बनेगी क्या, यूनिट यूनिट सेकेंड बनेगी, और यूनिट सेकेंड का ये पेपर फर्स्ट होगा। यूनिट सेकेंड का पेपर फर्स्ट जो बनेगा वो इनकम टैक्स होगा, जो अंदाजा है हम लोगों का इनकम टैक्स फर्स्ट पेपर हो जाएगा। और ये देखिए, अब इनकम टैक्स, इसमें टैक्सेशन वगैरह है, इसमें टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी यानी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद इसका जो है ये यूनिट सेकेंड, जिसमें बेसिक चार्जेस की बात की जा रही है, और फिर इसके बाद हेड ऑफ़ इनकम। हेड ऑफ़ इनकम, पूरी इनकम को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी इनकम फ्रॉम सेल, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, फिर इसके बाद कैपिटल गेन, और फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये है। फिर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना, फिर टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें अथॉरिटी वगैरह आती हैं, ये भी न्यूमेरिकल है, और ये काफ़ी अपने आप में टफ पेपर माना जा रहा है। तो ये जो है इस बार भी थर्ड ईयर में डाल दिया गया है, और ये कंपलसरी ही रहेगा। यानी अब इस बार कंपलसरी न्यूमेरिकल हमारे कितने हो जाएंगे, वो 2 हो जाएंगे, यानी थर्ड पेपर हमारा ये होगा। अब इसके बाद जब ये 2 हो जाएंगे, फिर अगला पेपर क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आज के युग में कहते हैं ना मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई बिना कंप्यूटर के आज की डेट में कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो है कॉमर्स का अकाउंट को कंप्यूटर को कंपलसरी कर दिया गया लाके, क्योंकि आप अगर सिर्फ वर्क करना हाथ से जानते हो, फिर अगर आपको कंप्यूटर पे काम करना नहीं आता तो बेकार है। तो
इसलिए इसको जोड़ दिया गया कंप्यूटर को। अब कंप्यूटर में इसमें बेसिक्स की बात की गई है और उसका कहते हैं इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे आप तो उसका बिजनेस में, तो लेकिन है एक्चुअल में ये पूरा बेसिक कंप्यूटर ही। बेसिक कंप्यूटर अगर आप लोग इसमें फ्री हैं तो आप कंप्यूटर कोर्स कर लीजिए कहीं से, सीख लीजिए और उस हिसाब से अपनी तैयारी कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो जाएगा और थ्योरी भी नॉलेज हो जाएगा, और थर्ड ईयर के बाद आपके काम भी आने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर ये काम आएगा, काफ़ी अच्छा पेपर है, तो इसको आप तैयार करिए। ये क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स बिजनेस अप्लीकेशन, इसको कैसे बिजनेस में अप्लाई करेंगे, बेसिक आप देख रहे हैं ना। तो ये चार पेपर जो हो गए, यानी पहला पेपर क्या हो गया कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, दूसरा हो गया ऑडिटिंग, तीसरा इनकम टैक्स, चौथा हमारा हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये ग्रुप यानी ग्रुप ए में, ग्रुप बी में दो दो पेपर हमारे हो गए। अब इसके बाद बात करें ग्रुप सी की, तो ग्रुप सी जो होता है, ग्रुप सी में उसमें जो यूनिट दी गई हैं, आपको मैं बता दूं ये पूरा भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही सिलेबस है। आप देखिए काफ़ी लंबा है ये। तो अब जो ग्रुप सी है हमारा, ग्रुप सी जैसे अगर हम ग्रुप सी की बात करें तो ग्रुप सी में जो सिलेबस हमारा बांटा गया है वो कई तरीके से बांटा गया है। क्या C1 और C2, C3, ध्यान से समझिए इसको, C4 और C5, इतने ग्रुप हैं, यानी C1, C2, C3, C4, C5, यानी पांच यूनिट इसमें, ग्रुप सी में पांच यूनिट हैं, और हर C1 में दो पेपर, C2 में दो पेपर, C3 में दो पेपर, C4 में दो पेपर, C5 में दो पेपर, सब में दो दो पेपर दिए गए हैं। अब इनमें से क्या होता है कि हमें कोई एक ग्रुप चूज करना होता है, जैसे C1 लें या C2 लें या C3 लें या C4 लें, कोई एक आपको लेना है। मतलब एक C1 ले लेंगे तो C1, C2 तो C2 के दोनों पेपर आप आ जाएंगे, मतलब ये ऑप्शन है, लेकिन पांच में से कोई एक चूज करना होता है। हालांकि कॉलेज इसमें सजेशन दे देता है कि आप इसमें से कौन सा चूज करें, लेकिन अगर उसके बावजूद भी आप अगर अलग से कुछ अपने मन से लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, उसके लिए कोई आपसे कोई आपत्ति नहीं है, कोई नहीं रोकेगा। तो C1, C2, C3, C4, C5, यानी ग्रुप सी में पाँच पार्ट में बटा हुआ, जिसमें से जो लेना होगा वो ले लीजिए। तो शुरुआत के दो जो हैं जो पॉपुलर हैं उन दो की मैं बात करने जा रहा हूँ, जिनमें से जो लेते हैं लोग, जिसमें C1 की अगर बात करें तो दो पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये दोनों न्यूमेरिकल पेपर हैं, बहुत कम लोग इसको लेते हैं, हालांकि काफ़ी अच्छे पेपर हैं, लेकिन अगर इस बार अगर ये दो पेपर ले लिए जाते हैं तो हमारे चार न्यूमेरिकल हो जाएंगे, यानी चार न्यूमेरिकल इस बार उम्मीद है, अगर थर्ड ईयर में लोग पढ़ेंगे तो चार न्यूमेरिकल हो जाएंगे। तो ये इसलिए ये C1 अब जो लोग ले लेंगे इंटरेस्टेड, जिनका अकाउंट अच्छा है वो लोग इसको ले लेते हैं, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग और इंटरनल मार्केटिंग ये हमारा C2 ग्रुप में है। ये दोनों थ्योरी के पेपर हैं, यानी ये दोनों न्यूमेरिकल पेपर हैं और ये दोनों जो है आपके थ्योरी के पेपर हैं, तो दोनों में से जो भी आप C1 या C2 जो भी लेना चाहेंगे तो दो ले लेंगे। यानी अब हमारे पेपर कितने हो गए, छः, और हर पेपर कितने का हो जाएगा, 100 नंबर का, आप लोग दे चुके हैं एग्ज़ाम, 100 नंबर पता ही है, 100 नंबर का होगा, रिटर्न होगा, और एक जो है एक पेपर इस बार जिन लोगों ने सेकेंड ईयर में दे दिया था, उन जैसे ह्यूमन राइट वाला दे दिया था तो उनको नहीं देना पड़ेगा, अगर नहीं दिए होंगे तो उनको भी देना पड़ेगा, नहीं तो छः पेपर ही हमारे हैं। बाकी अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई अपडेट आता है तो हम आपको बताएंगे, और अगर इसका आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम आपको लिंक दे देंगे, वहां से आप इसका PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि आपको कल से हम क्लास प्रोवाइड कर सकें। जितना ज़्यादा लोग इसको देखेंगे उतना हम लोग मोटिवेट होंगे और हम लोग अच्छे से अच्छी मेहनत कर पाएंगे, तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, पहुँचाइए। आप सभी लोगों का धन्यवाद।